श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः। श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। गुरुभ्यश्चद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगताम्पती। नीरातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती। स्वोचिष्टायां स्रजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमयिदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतन पद्यं भवति कुत्तु वळकरिय। कुत्तु वळकरिय इति अष्टादशपद्येन उन्दु मदघलिट्रन् इति आरभ्यमानेन पद्येन नीलादेव्याः अवतारभूता नप्पिन्नै इत्याख्यम् इत्याख्यां कृष्णसखीं कृष्णस्य पत्नीः पत्नी खलु सा पुरुषकारं कर्तुं तां च प्रबोध्य इदानीं पुनः तामेव प्रबोधयन्ति गोपकन्याः। किमर्थम् इति चेत् सीरार् वलयोलिप्प वन्दि तिरवाय् इत्युक्तमात्रेण पूर्वतनपद्येन इत्युक्तमात्रेण नप्पिन्नै तावत् उत्थितवती तस्याः करभूषणैः शब्दायमानैः करभूषणैः सह सा च शय्यां त्यक्त्वा यदा उत्थितवती तदा भगवान् कृष्णः किं कृतवान्? ताश्च बालिकाः ताश्च कन्याः मम भक्ताः अहमेव तावत् गत्वा ताः रक्षामि त्वं मा गच्छ इति तां नप्पिने देवीं कृष्णः चलितुं न अनुमतिं दत्तवान्। तां गृहीत्वा शय्यायामेव स्थापितवान् इति अस्माभिः कल्पनीयं सन्दर्भम् अवसरम् अस्माभिः तावत् कल्पनीयं भवति। आचार्यैः एवं कृत्वा एव सङ्गतिः उक्ता। पद्यानां मध्ये या सङ्गतिः वर्तते सा च सङ्गतिः अनुमेय आचार्यैः एवं सम्भाव्य एव व्याख्यानं लिखितं भवति। तर्हि पुनः एकवारं नप्पिन्ने देवीम् एव प्रार्थयन्ति गोपकन्याः। भगवन्तम् अपि प्रार्थयन्ति वाय् तिरवाय् इति। यदा सः सिद्धः अस्ति द्वारं
उद्घाटयितुं तर्हि नप्पिनी देवी पुनः तं च निवारयति मया एव गन्तव्यः इति गन्तव्यम् इति तयोः स्पर्धा वर्तते अहो दिव्यदम्पतीनां एवमेव अनुग्रहः वर्तते अहं करोमि अहं करिष्यामि इति तेषां मध्येपि स्पर्धा वर्तते भक्तरक्षणार्थं तर्हि पुनः नप्पिण्णेदेवीं प्रार्थयन्ति अहो नप्पिण्णेदेवी तव भर्तारं मुञ्च मुञ्चतु बलात् हठात् त्वमेव तम् अनुभवन्ती अस्ति वयमपि तं कृष्णं परमात्मानम् अनुभविष्यामः अत एव तत्त्वमण्ड् तगवेलोरम्बावाय् इति हि समापयन्ति समापयति गोदादेवी इदं च पद्यं पद्यं तावत् श्रावयामि குத்து வழக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குகள் நப்பெண்ணை கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர்மார்பா வாய்திரவாய் ஐத்தடங்கண்ணினாய் நீயுன் மணாலனை எத்தனை போதும் துயிலகவட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றையில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரம்பாவாய் குத்து வழக்கறிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை குங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர்மார்பா வாய் திறவாய் மைத்தடங் கண்ணினாய் நீயுன் மணாலனை எத்தனை போதும் துயிலகவொட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்ற இல்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோ ரொம்பாவாய் அந்த கீதிஷம் பவதி तयोः शय्याशाला शय्याप्रकोष्ठः शयनप्रकोष्ठः कथं वर्तते इति वर्णयन्ति वर्णयति गोदादेवी कुत्तु वळकरिय कोट्टुकाल् कट्टिल् मेल् कुत्तु वळक् वळक् दीपः कुत्तु वळक् इत्युक्ते लोह लोहेन निर्मितं स्तंभं तस्य उपरि बहुभिः मुखैः दीपः वर्तते पञ्च मुखानि स्युः त्रिमुखानि स्युः एकैकस्मिन् मुखे दीपः प्रज्वाल्यते तद्वत् बहवः स्तंभदीपाः तत्र वर्तन्ते शयनसमये किमर्थं दीपाः प्रज्वाल्यन्ते इति पृच्छ्यते चेत् शास्त्रम् एवम् आज्ञापयति वस्त्रैः विना वस्त्रं विना न निद्रा कर्तव्या दीपं विना न निद्रा कर्तव्या अंधकारे निद्रा न कर्तव्या इति धर्मशास्त्रं वदति अपि च तत्र अनुभवः एव जायते ब्रह्म अनुभवः एव जायते परमात्मा अपि भोक्ता भवति भोग्यं भवति देव्यः अपि भोक्त्रियः भवन्ति भोग्यानि भवन्ति अत एव तत्र दीपं प्रज्वलनम् इति कुत्तु वळक् एरिय एरिय इत्युक्ते चतसृषु दिक्षु अपि प्रसार्य वर्तते दीपज्वाला अथवा दीपस्य दीपानां रश्मयः सर्वत्र प्रसरन्ति इति भावः குத்து வழக்கு எரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் தந்தினாம் தந்தைஹி தந்தி தந்த இதி வர்ணயந்தி கவிதார்க்கிக சிம்ஹாஹா ரகுவீர கத்யே
रघुवीरगद्ये एवं वर्णना वर्तते दन्ति दन्त इति। अत्रापि दन्तीनां दन्तैः निर्मिता तत् सा च शय्या। कुलयापीडादीन् हस्तिनः मारयित्वा कृष्णः तेषां दन्तान् आनीतवान्। यतो हि नपिन्नै देव्याः कृते अहं शय्यामेकां काञ्चन शय्याम् एकां कृत्वा दास्यामि इति। दन्ति दन्तैः निर्मितं तच्च शय्यासनं। कोट्टुकाल् कट्टिल् मेल् तेषामपि पदानि विद्यन्ते खलु। सम्यक् करीणां दन्तैः निर्मितानि एतानि। तस्य उपरि पञ्चशयनत्तिन् मेलेरि निद्रां कर्तुं शय्याविशेषः वर्तते। शयनमिति शयनम् इति संस्कृतभाषायाः पर्यायः द्राविडभाषायां। शयनस्यापि लक्षणानि वर्तन्ते। पञ्चगुणाः स्युः। उत्तम शयन उपकरणस्य पञ्चलक्षणानि स्युः। शैत्ये शीतकाले ईषते उष्णेन वर्तितव्यं। ग्रीष्मकाले तु ईषत् शैत्येन वर्तितव्यम्। अनन्तरं दर्शने शोभनं भवेत्। सुगन्धः तस्मात् आयातु। तदनन्तरं विशालं भवेत्। सा च शय्या विशाला भवेत् इति पञ्चलक्षणानि वर्तन्ते। अत एव पञ्चशयनत्तिन् मेलेरि। सम्यक् तस्य उपरि गत्वा कोत्तलर् पूङ्गुळल् नप्पिन्नै कोङ्गमेल्। कोत्तु अलर् पूङ्गुळल् पुष्पगुच्छमेव तस्याः शिरसि वर्तते। अलङ्कृतं पुष्पैः अलङ्कृतं भवति तस्य शिरः। अर्थात् केशाः तस्याः केशाः अलङ्कृताः वर्तन्ते पुष्पगुच्छैः। कोत्तलर् पूङ्गुळल् नप्पिन्नै कोङ्गमेल्। नप्पिन्नै देव्याः स्तनौ तत्र वर्ण्येते। स्तनभागः स्त्रीणां स्तनभागः काव्येषु अथवा भक्तिप्रबन्धेषु अपि वर्ण्यते। किमर्थमिति चेत् विशेषतः भक्तिप्रबन्धेषु देवीनां स्तनभागः तेषां वात्सल्यमेव सूचयति। उन्नतस्तनप्रदेशः वात्सल्यस्य बाहुल्यं सूचयति। अतः तत्र विकारः मा स्यात्। चित्तस्य विकारः मा स्यात्। वात्सल्यबाहुल्यं तत्सूचनाय एव स्तनभागस्य वर्णनं दीयते स्थाप्यते। तत्र स्तनयोः उपरि कृष्णः स्वपिति स्वीयं शिरः तत्र स्थाप्य कृष्णः शयनं करोति। मलर्मार्भा वायतिरवाय् सर्वं तस्य सरोजनिभमेव।
கட்டுரைக்கில் தாமரை இதிஹி நம்மாழ்வார் மகாபாகாக ஆழ்வார் மகாபாகாக தேஷாம் பக்திம் பிரகடயந்தி. சர்வமபி சரோஜ சதிருஷம், நயனமபி சரோஜ சதிருஷம். நிசிம்மவதாரஸ்ய நிசிம்மவதாரே அபி தஸ்ய நயனம் சரோஜ சதிருஷம் ஏவ. சரோஜ சதிருஷா திருஷா இதி வர்ணயந்தி கவிதார்க்கிக சிம்ஹாஹ. மலர் மார்பா வாய்திரவாய் வக்ஷசி அபி பகவதஹ பத்ம பத்மம் வித்யதே ததேவ வாசஸ்தானம் கலு லக்ஷ்மியாஹ. மலர் மார்பா வாய்திரவாய் கிஞ்சித் வத. வயம் ஜானிமஹ யத் துவாவபி யுவாம் இதானிம் ஷய்யாயாம் பரஸ்பரம் அனுபூயமானஹ அனுபூயமானோ வர்த்தேத். கிஞ்சித் வத, துவாரஸ்ய உத்காடனம் அனந்தரம் பவேத். வாய் திரவாய், ஆகச்சாமி, ஆகச்சந்து, திஷ்டந்து, பஞ்ச நிமேஷாஹ, ஆகச்சாமி, கிமபி வதது, மலர்மார்பா, வாய் திரவாய். யதா கிருஷ்ணஹ உத்யுக்தஹ அபவத் கிஞ்சித் வக்தும் தர்ஹி நப்பினி தேவி கிம் கிருதவதி, தாம் திருஷ்டவதி, சங்கேதம் தத்தவதி. எஸ்யே க்ஷணம் இதி குரத்தாழ்வான் பராசர பட்டாரியாக சர்வேபி வேதாந்த தேசிகாக சர்வேபி கவயஹ ஆச்சாரியாக ஏவம் வர்ணயந்தி. விசேஷதஹ லக்ஷ்மீ தேவி தேவ்யாஹ முகம் திருஷ்ட்வா ஏவ ப்ருவோஹோ சலனம் திருஷ்ட்வா ஏவ தத் சங்கேதம் அவகத்திய ஏவ காரியம் குருவந்தி இது. அத்ர நீலாதேவி தாவத் கிருஷ்ணம் பஷ்யதி தர்சனேன ஏவ மா கச்ச பவான் அத்ரைவ திஷ்ட திஷ்டது இதி சாவதி. கிருஷ்ணஹ அபி நைவ பிரயத்னம் கரோதி தத்ரைவ திஷ்டதி. புனஹ கோதாதேவி நப்பினே தேவிமேவ பிரார்த்தயதி மைத்தடங் கண்ணினாய் நீயுன் மணாலனை எத்தனை போதும் துயிலகவட்டாய் கான். தேவி வயம் ஜானிமஹ கிருஷ்ணஹ இதானிம் உத்யுக்தஹ அஸ்தி கிந்து பவதா ஏவ பத்தஹ அஸ்தி சஹ. மைத்தடங் கண்ணினாய், மை இத்யுக்தே அஞ்சனம் இதி உச்சதே, அஞ்சனத்விஷஹ அஞ்சனத்விட் இதி வர்ணயந்தி வேதாந்த தேசிகாஹ கிருஷ்ணம். அத்தது நப்பின்னே தேவியாஹ நயனயோஹ அஞ்சனம் வர்த்ததே, அபிச்ச தஸ்யாஹ நயனே விஷாலே விஷாலபூதே மைத்தடங் கண்ணினாய் நீ உன் மணாலனை அம்பே தபபதிம் எத்தனை போதும் துயிலக ஒட்டாய்கான் ஏதாவத தம் நிவாரயதி சஹ இதானிம் புத்வா உத்திதும் யததே யதமானஹ வர்ததே கிந்து த்வயா யத்கிமபி க்ரியதே இதானிம் தஸ்ய வாரணம் தஸ்ய நிவாரணம் தன்ன சம்யக். எத்தனையேலும் பிரிவாற்றகில்லாயால் வயம் ஜானிமஹ ஏதது கிருஷ்ணஹ யதா முச்சியதே அச்சுதஹ சுதஹ பவதி அச்சுதஹ சுதஹ பவதி அதஹ அஸ்மாத் பிரதேசாத் அச்சுதஹ சுதஹ பவதி எத்த குத்ராபி கச்சதி புனஹ கதா ஆயாதி இதி நைவ ஜானிமஹ. பவத்யாஹ ஸ்திதிமயம் ஜானிமஹ. எத்தனையேலும் பிரிவாற்றகில்லாயால் தஸ்யஹி விஸ்லேஷம் அசகமானா த்வம் தம் நிவாரயசி இதி தத்துவம் அன்று தகவேலோ ரொம்ப வாய் பயமபி ஆகதாக அஸ்மாக்கமபி சந்தர்ப அவகாசம் லபேத கிருஷ்ணம் அனுபவித்தும் புனஹ தாஸ்யாமஹ இத்யுக்த்வா
अम्बे द्वारं उद्घाटय इति प्रार्थयति गोदादेवी नप्यनेदेवीं। बहु स्वारस्यम् अत्र गोदादेव्याः तनियन् इति पूर्वमेव श्रुतम् अस्माभिः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटीसुप्तमुद्बोध्यकृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ति तच्च तनियन् अनेन पद्येनैव निर्मितम्। अनेन इदं च पद्यम् अधिकृत्य तच्च तनियन् निर्मितं पराशरभट्टार्येण। नीलातुङ्गस्तनगिरितटीसुप्तमुद्बोध्यकृष्णं तदेव अत्रापि वर्तते द्राविडभाषायां। द्राविडभाषायां கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பிண்ணை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்திரவாய் அத்தியாபயந்தி பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சதசிர சித்தம் அத்தியாபயந்தி ஹே கிருஷ்ண உத்திஷ்ட அஸ்மாபிரபி பவான் போக்தவ்யஹ த்வம் போக்தவ்யஹ உத்திஷ்ட யதோஹி வயமபி தவ சேஷபூதாஹ இதி போதயந்தி அத்தியாபயந்தி கோதாதேவி। अस्मात् पद्यात् एव स्फूर्तिः जाता पराशरभट्टार्याणाम् इति वक्तुं शक्यते। स्वापदेशे ये केऽपि सङ्केताः यानि कानि अपि सङ्केतानि सन्ति अत्र तत् अस्माकं सम्प्रदायविशेषानेव सूचयन्ति इति आचार्याः भावयन्ति। कुत्तु विलक् पंच मुखानि सन्ति दीपस्य दण्डदीपस्य लोहेन निर्मित दण्डदीपस्य पंच स्थितिः सूचयन्ति भगवतः पंच स्थितिः परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा स्थितय याः सन्ति ताः सूचयन्ति। अनन्तरं शय्यायाः पदचतुष्टयं वर्तते चतुर्वेदान् तानि च पदानि सूचयन्ति। अपि च पञ्चमुखैः पञ्चमुखेन इन्द्रियाण्यपि अर्थपञ्चकम् इत्यादिरपि वक्तुं शक्यते पदचतुष्टयेन। चत्वारः आश्रमाः याः ये सन्ति ते सूच्यन्ते। पुष्पाणि ज्ञानं सूचयन्ति इति रीत्या बहु वक्तुं शक्यते सम्प्रदायविषये। अन्ततः भक्तिं साध्यभक्तिरित्युच्यते। भक्तिः यदा उपायरूपेण क्रियते अनुष्ठीयते भाव्यते तदा साधनभक्तिर्भवति भक्तियोगः। किन्तु साध्यभक्तिर्या वर्तते सा तु न उपेयभूता। सा च भक्तिः अस्माभिः वर्धितव्या। तस्य कृते अपि दिव्यदम्पत्योः करुणा आवश्यकं भवति आवश्यकी भवति। तां च करुणां प्राप्तुं वयम् आचार्यपादमूलं प्राप्स्यामः आदौ इति हि सारः। अलं करोमि अस्य पद्यस्य अर्थ उपन्यासम्। अनन्तरं विंशतितमपद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः मुपत्तुमुवरिति। श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। धन्यवादः।